हेलो एवरीवन, कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, आप अभी कक्षा पांचवी में गए हो, लेकिन बच्चों हम अभी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको उस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मदद होगी। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों कि कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। जैसे कि आपने नर्सरी से लेकर आज तक इंग्लिश के नंबर्स की पढ़ाई की, स्पेलिंग भी आपने पढ़े होंगे, अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, मराठी में भी आपने सारे अंकों को याद किया होगा, हिंदी में भी आपको ये नंबर्स यानी अंक यानी गिनती आपको याद होगी। लेकिन फिर भी हम क्या करने वाले हैं, इसी गिनती की रिवीजन करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपको वस्तुएं चीजें हिंदी में गिनने की आदत हो जाएगी और इसमें आसानी भी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी 1 से 30 तक की गिनती लिखेंगे, उसे कैसे लिखा जाता है, बोला जाता है, ये हम सीखेंगे यानी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, पा के ऊपर चंद्र बिंदु है, 5, 6, 6, ह, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हमने यहां पे अंक लिखे और ये अक्षरों में यहां पे लिखा है, गिनती को हमने इस तरह से लिखा है। 10 के आगे है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, इसके आगे की गिनती हम यहां पे लिखेंगे, 21, इक्कीस, आधा क और पूरा क, इस तरह से लिखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25,
पच्चीस। यहां पे भी च आधा और पूरा च है, पच्चीस। छब्बीस, ब आधा पूरा ब, छब्बीस। सत्ताईस, तो आधा पूरा तो, सत्ताईस। अट्ठाईस, अट्ठाईस, अट्ठाईस। उनतीस, और तीस। तो समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने ये गिनती लिखी। अब हम इसे एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छ, छ, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, तेरह, चौदह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह, सोलह, सोलह, सत्रह, सत्रह, अठारह, अठारह, उन्नीस, उन्नीस, बीस, बीस, इक्कीस, इक्कीस, बाईस, बाईस, तेईस, तेईस, चौबीस, चौबीस, पच्चीस, पच्चीस, छब्बीस, छब्बीस, सत्ताईस, सत्ताईस, अट्ठाईस, अट्ठाईस, उनतीस, उनतीस, तीस, तीस। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में इसे दो बार लिखना है। कितनी बार? दो बार लिखना है, और ऐसे लिखते लिखते बोलना भी है। इसके आगे की अंकों की भी हम पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन पहले हम कहां से करेंगे? एक से तीस तक की गिनती, एक से तीस तक की गिनती की पढ़ाई करेंगे। तो समझ में आया किस तरह से इसे पढ़ना है और लिखते लिखते बोलना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।